नमस्कार दोस्तों, तो हमारा आज का टॉपिक है रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है, एरोमेटिक मींस लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ बेंजीन रिंग्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया हमने, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, ऑब्वियसली रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं ऊपर और नीचे, कार्बन स्केल्टन के अबव द प्लेन बिलो द प्लेन देर आर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, दैट्स वाई इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस पे अटैक करता है तो वो रिएक्शन देता है सब्स्टिट्यूशन, बताया था क्यों, क्योंकि उससे एरोमेटिसिटी रिटेन रहती है, वो पिछले लेक्चर में हमारे हो गया था। तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे कब जल्दी अटैक करेगा, जब कोई ऐसा ग्रुप इस पे अटैच होगा जो इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करे। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे इसकी तरफ, तो और जल्दी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, प्लस आई या प्लस आर इफेक्ट जिनमें होता है, वो रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब उनको हम बोलते हैं दे आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, क्योंकि उन्होंने रिंग को और ज्यादा एक्टिव कर दिया। जैसे एग्जांपल ले हम NH2 OH और OCH3 NHCO CH3 C6 H5 CH3, ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसके ऊपर बढ़ा देंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मोर। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इन के ऊपर जो रिंग पे डायरेक्टली अटैच है, यहां पे क्या है लोन पेयर्स और इसमें क्या होता है पाई बॉन्ड, क्योंकि रिंग फिनाइल ग्रुप है ना ये, और ये जो है इट इज रिलीजिंग ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसका मतलब ये जो NH2 ग्रुप है इसका प्लस आर इफेक्ट होगा जब रिंग पे अटैच हो, बेंजीन रिंग पे ये ग्रुप अटैच कर दो, लोन पेयर की वजह से ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, बट एट द सेम टाइम नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा माइनस आई। अब ए रिलीजिंग ग्रुप इफेक्ट है, रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और इंडक्टिव की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बट रेजोनेंस इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट इन केस ऑफ NH2। इसलिए ओवरऑल ये जब रिंग के ऊपर अटैच होता है बेंजीन रिंग पे, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, इसलिए ये इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन इटसेल्फ टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेम इज द केस विद OH। अब इन दोनों को कंपेयर करें अगर, तो OH जो है इसका भी प्लस आर इफेक्ट है और माइनस आई, बट इसमें जो है वो विड्रॉइंग इफेक्ट थोड़ा बढ़ गया, इसलिए इसका रिलीजिंग इफेक्ट इज लेस देन दिस, क्योंकि दोनों अपोजिंग फैक्टर लग रहे हैं ना, तो इसलिए एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन फिनोल। ये क्या है एनिलीन और ये फिनोल। आगे आ जाओ, OCH3 ग्रुप लगा दिया। अब अगर इन
इसमें तो ये हो गया एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन फिनोल, दैट मीन्स NH2 इज मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप देन OH. अब OCH3 और OH को कंपेयर करो, अगर यहां देखें तो ये तो रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस साइड इफेक्ट इस पे आएगा ना, तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने चाहिए. अब देखो इसका भी प्लस R और माइनस I इफेक्ट है, बट याद रखना कि जो मिथाइल ग्रुप है दैट क्रिएट हिंड्रेंस फॉर द रेजोनेंस, इसलिए इसका प्लस R इफेक्ट थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अदरवाइज क्या लग रहा है कि मिथाइल ग्रुप रिलीज करेगा वो और ज्यादा रिलीज करेगा, बट ऐसा नहीं है. क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि मिथाइल ग्रुप दो इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, बट ओ तो इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ही है ना ओवरऑल, माइनस आई इफेक्ट तो है ही, सिर्फ हम प्लस आर इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि जो रेजोनेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है ड्यू टू हिंड्रेंस, एंड देयरफॉर ओएच इज मोर एक्टिवेटिंग देन OH3. तो ये ऑर्डर हो जाएगा. फिर आ जाओ नेक्स्ट. इसमें तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ क्रॉस कंजुगेशन, इसमें भी प्लस आर भी है और माइनस आई इफेक्ट भी है और क्रॉस कंजुगेशन भी हो रही है. ये इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल और ये एसिटिनिलाइड. एसिटिनिलाइड में जो है देयर इज अ क्रॉस कंजुगेशन, लोन पेयर इधर भी हो सकता है ट्रांसफर, इस साइड भी सीओ की तरफ भी, तो इसलिए क्रॉस कंजुगेशन की वजह से, क्रॉस कंजुगेशन समझते हो ना, इसका एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, यू कैन वॉच इट. बट अभी देख लो कि अगर लोन पेयर बंट जाए कि इधर भी कॉन्जुगेशन कर सके इधर भी, और एट ए टाइम एक ही तरफ करेगा ना, या तो इस साइड करेगा या इस साइड करेगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन. और क्रॉस कॉन्जुगेशन से जो प्लस आर का इफेक्ट है थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए ये इससे भी कम. नेक्स्ट आ जाओ, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर भी बेंजीन रिंग है, ये सारे ग्रुप जो हैं उसमें प्लस आर और माइनस आई हो रहा है. अब इसमें दो रिलीजिंग प्लस आई हो गई, इंडक्टिव ऑलमोस्ट सेम होगा दोनों साइड, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम, बट इट इज प्लस आर बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड. यहां प्लस आर हो रहा है ड्यू टू लोन पेयर, इसलिए ये प्लस आर ज्यादा होगा रेदर देन डबल बॉन्ड, और उस डबल बॉन्ड के शिफ्टिंग से एरोमेटिक कैरेक्टर भी ऊपर का डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसलिए रेजोनेंस बहुत ही कम होगा, इसलिए इस इनसे भी कम ये रिएक्टिव होगा बाइफिनाइल. और लास्ट इज टोलिन, इसमें प्लस आई इफेक्ट होगा ओनली, हाइपर कंजुगेशन भी ले देते हैं, तो इसलिए ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है. और ये सारे ग्रुप्स क्या हैं, एक्टिवेटिंग, ये दो जो हैं दे आर स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ये नेक्स्ट टू जो हैं दे आर मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, और लास्ट जो दो हैं दे आर वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. तो इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स विच एक्टिवेट द रिंग, एंड दे ऑल आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन इटसेल्फ. तो इससे आपको क्लियर हो गया अब कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट की वजह से हो या प्लस आर की वजह से हो, वो सारे जो हैं पर ओवरऑल एक्टिवेटिंग होने चाहिए. अब देखो इसमें प्लस आर भी है माइनस आई भी है, बट प्लस आर डोमिनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट और विड्रॉइंग ग्रुप अपोजिंग है दोनों, बट एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस रिलीजिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा है विड्रॉइंग से, इसलिए ओवरऑल ये सारे क्या हैं,
रिलीजिंग ग्रुप्स, ऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और क्यों उन्होंने एक्टिवेट कर दिया रिंग को, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा तो इनका रिएक्शन फास्ट होगा। तो ओवरऑल तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ही डिसाइड करता है। अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे बेंजीन, दूसरा कोई ग्रुप ले लेंगे और देखेंगे किसमें टाइम रिएक्शन कंप्लीट करने में कम लग रहा है। तो इनमें रिएक्शन को कंप्लीट करने में टाइम कम लगेगा और बेंजीन के साथ ज्यादा टाइम लगेगा। समझा रहे? तो ये है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, और दे ऑल आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, और उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने ये आपको बता दिया, राइट। NH2 और उसके सारे जो डेरिवेटिव्स हैं, जैसे NH के आगे R लगा दें तो भी ज्यादा एक्टिव होगा इससे, NR2 कर देंगे तो भी इनसे ज्यादा एक्टिव होगा, ये भी याद रखना, ठीक है। ओके, नाउ कम टू डी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अभी हमने की बात की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। कैसे एक्टिवेट कर देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं रिंग के ऊपर। अब बात करते हैं कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन सा इफेक्ट, माइनस आई और माइनस आर और बोथ। तो माइनस आई माइनस आर और दोनों ही हो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये ग्रुप है NO2 ग्रुप है, CN ग्रुप है, COOH ग्रुप है, SO3H ग्रुप है, CHO ग्रुप है, COR ग्रुप है, ये सारे जो हैं दे आर स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग पे क्या हो जाएगी, कम। अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई तो उससे क्या होगा, अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हिंडर होगा, इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक नहीं करेगा, तो बेंजीन से वो क्या हो जाएंगे, कम रिएक्टिव। अगर इसकी बात करें तो इसमें माइनस आई इफेक्ट है, इसकी बात करें माइनस आई भी है, माइनस आर भी, इसमें भी माइनस आई माइनस आर, 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 सारे एक जैसा ही सिस्टम है। तो दे आर स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बहुत कम कर देते हैं, इसलिए दे आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मींस व्हेन दीज ग्रुप्स आर अटैच टू द रिंग, द रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। फिर वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं विच आर एक्सेप्शंस, जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सब में ही तीन तीन लोन पेयर हैं, पर यू नो ओनली वन लोन पेयर इज नीडेड फॉर रेजोनेंस। तो इन सब में ही लोन पेयर की वजह से प्लस आर इफेक्ट है, और एट द सेम टाइम बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सबका ही माइनस आई इफेक्ट। बट याद रखना कि हैलोजन्स जो हैं इनमें
माइनस आई इफेक्ट जो है इट इज डोमिनेटिंग ओवर प्लस आर, इसलिए ओवरऑल ये सारे जो हैं दे आर अगेन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग से कम कर देंगे, तो अगेन वही सिस्टम कि दे आर लेस रिएक्टिव देन बेंजीन इटसेल्फ। तो इसलिए जो भी ग्रुप्स चाहे माइनस आई इफेक्ट से माइनस आर इफेक्ट से या दोनों से, अगर विदड्रॉइंग इफेक्ट इज डोमिनेटिंग तो वो रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं और दे आर लेस रिएक्टिव देन बेंजीन। तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी। अगर हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो उसकी थ्योरी क्या है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो मेन स्टेप है वो है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। और जब अटैक होता है तो मान लिया यहां पे लग गया पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन फिर इधर जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है इसका ये कार्बोकेटायन बनता है और ये होता है स्लो स्टेप, रेट को डिटरमिन करता है ये वाला स्टेप कि ये जो कार्बोकेटायन बना है वो कितना स्टेबल है वो डिसाइड करता है रिएक्टिविटी को। अब अगर हम बात करें एक बेंजीन रिंग इटसेल्फ, दूसरा इस पे मिथाइल ग्रुप लगा है, विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, NO2 लगा देते हैं, मिथाइल की जगह कोई भी रिलीजिंग ग्रुप लगा देते हैं और NO2 की जगह कोई भी विथड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर कोई भी रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो इन कंपैरिजन टू कार्बोकेटायन फाउंड बाय द बेंजीन रिंग आफ्टर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा ना। बट यहां क्या हो रहा है, अगर हमने विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया है तो वो तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और ऑलरेडी ये कार्बोकेटायन है तो पॉजिटिव चार्ज को और इंटेंसिफाई कर देगा, तो क्या कर देगा उसको अनस्टेबल। इसका मतलब इन तीनों में अगर बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होगी, इसको हम एरिनियम कैटायन बोलते हैं ना, एरिनियम आयन है ना ये, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और वी कैन से एरिनियम आयन। तो क्या ऑर्डर होगा, सबसे स्टेबल सेकंड, उससे कम फर्स्ट और सबसे कम थर्ड। इसका मतलब सेकंड कैटायन सबसे जल्दी बनेगा, तो इसका मतलब रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सबसे जल्दी किसमें होगा, जिस पे रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, एक था सिंपल बेंजीन रिंग, दूसरा था बेंजीन रिंग विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और थर्ड था बेंजीन रिंग विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ए बी और सी। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से कार्बोकेटायन स्टेबल हो रहा है आफ्टर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, बी। विदड्रॉइंग ग्रुप से क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन डिस्टेबलाइज क्योंकि इंटेंसिफाई हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये इससे सी से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो बी के बाद ए, और सबसे
कम रिएक्टिव होगा सी। तो ये होगा, दिस इज द थियोरी बिहाइंड रिएक्टिविटी। और रिलीजिंग ग्रुप जितना स्ट्रांग होगा, अभी पढ़ा हमने स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, वैसे ही पढ़ा हमने स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, मतलब जितने ज्यादा विद्रोइंग ग्रुप्स होंगे, जितना स्ट्रांगली विद्रॉ करेंगे उतने डीएक्टिवेटिंग होंगे, राइट। और जितने ज्यादा रिलीजिंग होंगे उतने ज्यादा एक्टिवेटिंग होंगे। नो वन मोर एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टिविटी, मान लिया बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 है। अब आपको पता है कि ये CH3 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो रिंग को एक्टिवेट कर देगा, इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। बट जैसे ही हमने एक H को क्लोरीन से प्लेस किया, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप था, और जैसे ही हमने क्लोरीन लगाया तो ये क्या बन गया, डीएक्टिवेटिंग। अगर हम एक और Cl लगा देते हैं तो और ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा ये, और अगर हम तीनों ही कर दिए तो कल्याण ही हो गया, इट इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टॉलिन, उसके बीच में बेंजीन आएगी, और फिर बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड एंड बेंजो क्लोराइड। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, और यहां तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगी, पता है ना, एक तो होती है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये क्या बन गई, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ये। तो इन दिस वे क्या हो रहा है, जैसे जैसे विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम हो रही है। नाउ लेट अस डिस्कस ऑरिएंटेशन पार्ट। हम ऐसा करते हैं, मिथाइल ग्रुप लेते हैं, मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब इस पे अटैक करो देते हैं कैटायन का। अब याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा हर एक जगह। अब हर एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, इट इज फैक्ट। तो इसका मतलब बेंजीन रिंग से हर एक पोजीशन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगी। अगर हम एक बेंजीन ले लें और एक टॉलिन ले लें तो टॉलिन में मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या है, रिलीजिंग ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे हर पोजीशन पे इंक्रीज करेगा, याद रखना। अब हमें ये देखना है कि अब ये दो पोजीशन क्या ऑर्थो, ये दो पोजीशन मेटा और ये पोजीशन पैरा। तो हमें अब ये दो ऑर्थो, दो मेटा और एक पैरा में, इनमें से कौन सी पोजीशंस प्रिफर्ड हैं, दैट इज कॉल्ड ऑरिएंटेशन, वो देखना है हमें। बट कीप इन माइंड कि मिथाइल ग्रुप इन सारी पोजीशंस को, इंक्लूडिंग दिस, हर पोजीशन को ज्यादा एक्टिव कर देगा रेदर देन दिस, हर एक पे रिलीज करेगा। पर अब हमें देखना है कि कहां पे ज्यादा प्रोबेबल है, ठीक है। तो वाई पॉजिटिव का अटैक कर देते हैं ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, हर जगह तीनों पोजीशन पे। ऑर्थो अटैक की बात करते हैं, ऑर्थो मीन्स यहां पे अटैक किया, अगर यहां अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आएगी पॉजिटिव, समझ गए ना कैसे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव यहां अटैच हो जाएगा, यहां आ जाएगा पॉजिटिव। मेटा पे अटैक कराते हैं, यहां अटैक करेगा, अगर यहां अटैक करेगा तो ये तो पोजीशन ऐसे रहेंगी, यहां पर अटैक हो गया तो यहां क्या आ गया, पॉजिटिव।
और फिर हम करा देते हैं पैरा पे अटैक, पैरा पे अटैक करा देते हैं भाई, पैरा पे अटैक करवा दिया। ये तो ऐसे रहेंगे, यहां पे अटैक हो गया तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन में है, पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन, सारे कॉन्जुगेशन में है, इनके सारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बन गए तीन स्ट्रक्चर, इसका बनाओ, थर्ड वन पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना इलेक्ट्रॉन पेयर। अब कहां आया पॉजिटिव, इस पोजीशन पे, तो ये इधर आएगा। ओके, तो अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट केस में इन तीनों में से, अब सॉरी मिथाइल, ओके मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बट सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां होगा, इस पोजीशन पे। तो इन तीनों में से एक ऐसा स्ट्रक्चर है, फर्स्ट वन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज मिथाइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है उसके ऊपर है, तो इट इज स्पेशली स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो स्पेशली मोर स्टेबल होगा रेदर देन अदर टू। तो एक रेजोनेंस का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया ना इसकी वजह से। इन तीनों में आ जाओ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, मेटा पे अटैक करने से इज देयर एनी स्ट्रक्चर विच इज लाइक दैट, नो। मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उस पर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। इधर आ जाओ, इस केस में सेवन एट नाइन, एट्थ स्ट्रक्चर देखो, एट्थ स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, जो कार्बन मिथाइल से डायरेक्टली अटैच है। इसका मतलब इसमें फर्स्ट और इसमें ये एट्थ वन, दे आर स्पेशली मोर स्टेबल। इससे ये क्लियर होता है कि ऑर्थो अटैक और पैरा अटैक इज मोर फेवरेबल देन द मेटा अटैक। ऐसा नहीं है कि मेटा पे अटैक नहीं हो सकता, मेटा पे भी हो सकता है और वो भी बेंजीन रिंग से ज्यादा ही रिएक्टिव पोजीशन है, बट ऑर्थो और पैरा पे ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ स्ट्रक्चर, ये तो सिर्फ मैं प्लस आई की बात कर रहा हूं कि मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, अगर रेजोनेंस होता है तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, बताता हूं कैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास क्या हो गया कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन जो है मिथाइल ग्रुप लगने से जो ग्रुप आएगा इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा अटैक करेगा। इसका मतलब जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, समझिए। एक हेलोजन जी एक्सेप्शन है जो विद्रॉइंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है। समझ में आया ये पॉइंट, स्ट्रक्चर बनाने हैं उससे क्लियर कट आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऐसा ग्रुप लगाते हैं वो है रिलीजिंग ही बट उसमें प्लस आर भी है, इंडक्टिव जो भी है पर रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग और वो कौन सा है, प्लस आर। जैसे मैंने लगा दिया NH2 लगा देते हैं,
बाकी ये तो ऐसे रहेंगे, बस यहाँ NH2 लगाते जाओ। वही किया हमने, मिथाइल था उसकी जगह NH2 रख दिया, बाकी इसका अटैक कर दिया। ऑर्थोमेटा पैरा पे स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, बट अब एक स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। किस किस केस में? देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया डायरेक्टली अटैच टू NH2। अब जहां इस पॉजिटिव चार्ज को ये पाई इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इधर लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से आता है तो एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा एक्स्ट्रा, ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम वन ए ले लेते हैं। और इधर भी एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा, इनमें से इस स्ट्रक्चर को देखो, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच टू NH2, लोन पेयर से भी आ सकता है इधर, तो ये आएगा। तो देखो एक ही आ सकता है, या तो ये लोन पेयर आएगा या डबल बॉन्ड आएगा। अगर डबल बॉन्ड इधर आता है तो ये बनेगा, और अगर लोन पेयर आता है तो ये जो मैं बनाने वाला हूं वो बनेगा। तो एथ ए बोल देते हैं इसको, वन ए और एट्थ ए में देखो दे आर स्पेशली स्टेबल, दे आर स्पेशली मोर स्टेबल देन द अदर। एक तो इनमें चौथा स्ट्रक्चर बना और जो कि मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इनमें तो फिर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सारे, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है किसी कार्बन का, इसमें ऑल द एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट, और जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज कंप्लीटली विथड्रॉन। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया? नाइट्रोजन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें फिल हो गई, इसलिए ऑर्थो और पैरा अटैक अगेन इज प्रिफर्ड देन मेटा अटैक। मेटा में तीन ही स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब ये मोस्ट स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये है तो माइनस आई ना, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो माइनस आई इफेक्ट से तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट एट द सेम टाइम प्लस आर इफेक्ट की वजह से एक नया स्ट्रक्चर बना। इनमें चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और जिसमें इसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, क्योंकि इट इज स्पेशली मोर स्टेबल। और आपने पढ़ा होगा कि मोर स्टेबल स्ट्रक्चर जो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट हैज मोर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसका मोर कंट्रीब्यूशन होने की वजह से ऑर्थो और पैरा अटैक जो है इज प्रिफर्ड देन द मेटा अटैक। तो मुझे लग रहा है ऑरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब विड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं, तो विड्रॉइंग ग्रुप में हम लेते हैं NO2। ओके, तो यहां पे हमने NO2 लगा दिया, पहले हमने बात की प्लस आई इफेक्ट की, फिर हमने बात की जिसमें प्लस आर था और माइनस आई था, बट प्लस आर डोमिनेट कर रहा था, NH2 है, OH है, NaCOCH3 है, OCH3 है, OC2H5 है। अब हम बात करते हैं NO2, जिसका कौन कौन से इफेक्ट है, माइनस आई भी है और माइनस आर भी है। तो हमने फिर ऑर्थोमेटा पैरा अटैक करवा दिए, स्ट्रक्चर सेम ही रहेंगे, सिर्फ ग्रुप चेंज होगा। अब इन तीनों में एक जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो ऐसा बन रहा है जिसमें NO2 किस ग्रुप से अटैच है, जो कार्बन है बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज, तो विड्रॉइंग ग्रुप है, और ऐसे ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, वो तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो पॉजिटिव को और इंटेंसिफाई कर देगा, इससे इस स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ऑलमोस्ट निल। इट इज एस्पेशली, जैसे उसमें क्या था एस्पेशली स्टेबल, इसमें क्या हो जाएगा, ये एस्पेशली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसलिए ऑर्थो पोजिशन पे जब अटैक हो रहा है
तो दैट इज अ कार्बोकेटायन इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ओनली टू स्ट्रक्चर्स, टू एंड थ्री. वन का कंट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट निल, कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बिकॉज हाईली अनस्टेबल है. और मैंने बताया था मोर स्टेबल मोर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट निल. तो दो ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हुए और जितना पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होता है उतना स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड. अब आ जाओ इधर, क्योंकि ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, यही रेट को डिटर्मिन करता है. इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो स्पेशली अनस्टेबल हो, क्योंकि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें NO2 ऐसे कार्बन पे अटैच हो जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, नहीं है. बट इधर अगेन एट्थ इज स्पेशली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि पॉजिटिव चार्ज किस पे अटैच है, ऐसे कार्बन पे विच इज डायरेक्टली अटैच टू NO2 विदड्रॉइंग ग्रुप. इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट निल. तो ये भी कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हुए इसके, दो. तो ऑर्थो और पैरा में दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, मेटा में तीन. NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो तो पहले क्लियर हो गया, बट डीएक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पे. मेटा पे इन दोनों से कम हो रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल को आने से हिंडर कर रहा है. बट सबसे ज्यादा हिंड्रेंस कहां मिल रही है, सबसे ज्यादा उसको जो इफेक्ट हो रहा है उसका, वो कहां हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पे. इसलिए दो दे आर डीएक्टिवेटिंग बट मेटा डायरेक्टिंग. तो मोस्ट ऑफ द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग एक्सेप्ट हैलोजन्स. बार बार हैलोजन्स बोल रहे हैं, एक्सेप्ट हैलोजन्स. तो लेट अस डिस्कस अबाउट हैलोजन्स. हैलोजन्स में ऐसा क्या है जिसमें वो हैंड डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. नाउ लेट अस डिस्कस द केस ऑफ हैलोजन्स. अब हैलोजन्स में भी स्ट्रक्चर तो ऐसे रहेंगे, सिर्फ NO2 की जगह हैलोजन लगा देंगे. तो लेट अस टेक हैलोजन एज एक्स. तो मैं सारे NO2 को हटा देता हूं और वहां एक्स रख देता हूं. तो हमने NO2 जो थे उन सबको हैलोजन से रिप्लेस कर दिया, स्ट्रक्चर सेम ही रहेंगे, ऑर्थो अटैक, मेटा अटैक, पैरा अटैक. अब एक्स जो है उसका प्लस आर इफेक्ट है और कौन सा है, माइनस आई. जस्ट लाइक NH2, OH, NHCOCH3, OCH3, उनकी तरह ही है, प्लस आर माइनस आई. बट यहां पे डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसका इफेक्ट रेजोनेंस से ज्यादा है. माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर रेजोनेंस इन हैलोजन्स. बस ये ही एक डिफरेंस क्रिएट करता है कि NH2, OH ऐसे ग्रुप लगे हों तो उनकी केमिस्ट्री, उनकी रिएक्टिविटी, और हैलोजन लगा हो तो उसकी रिएक्टिविटी अलग क्यों है. सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि उसमें रेजोनेंस डोमिनेट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट पे भारी पड़ता है. रेजोनेंस जो है प्लस आर माइनस हाई पे भारी पड़ता है, भारी पड़ता है मतलब डोमिनेट करता है. उसमें प्लस आर डोमिनेट करता है, यहां माइनस आई डोमिनेट करता है. बस उसके बाद की बात करते हैं कि ओरिएंटेशन फिर कैसे ऐसा. तो अब रेजोनेंस से ये स्ट्रक्चर बने. अगेन हैलोजन फर्स्ट वाला जो है ऐसा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज किस पे है, एक्स पे. तो ये अनस्टेबल होना चाहिए, है तो ये अनस्टेबल. बट एट द सेम टाइम लोन पेयर जो है और पॉजिटिव के चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन होने से एक फोर स्ट्रक्चर बन सकता है. वैसा इसमें ये एट स्ट्रक्चर है. और ये स्ट्रक्चर जो है दे आर स्पेशली मोर स्टेबल बिकॉज ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम्स आर कंप्लीट. कंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से दे आर स्पेशली मोर स्टेबल. अब
देखो माइनस आई डोमिनेट कर रहा है, मतलब ये है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा फ्रॉम ऑल द पोजीशंस। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग पे कम हो जाएगी, हर पोजीशन पे कम हो जाएगी, इसलिए दे आर लेस रिएक्टिव देन बेंजीन। हैलोबेंजीन्स आर लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, बट एट द सेम टाइम व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन द रिंग एट ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन, देन जो कंट्रीब्यूशन है बिकॉज ऑफ फर्स्ट ए एंड एट ए एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दैट इज मोर फेवरेबल। इसका मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो है बट रेजोनेंस जो है वो इंडक्टिव को अपोज करता है, और कहां पे रेजोनेंस अपोज करता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, इट टेंड्स टू अपोज इंडक्टिव इफेक्ट, दो इट इज वीकर। इसलिए जो इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पे थोड़ा कम हो जाएगा रेदर देन मेटा, इसलिए दो इट इज डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसलिए हम बोलते हैं कि हैलोजन्स में जो रिएक्टिविटी है इट इज कंट्रोल्ड बाई इंडक्टिव इफेक्ट एंड ऑरिएंटेशन, दो इट इज वीकर बट दैट इज कंट्रोल्ड बाई रेजोनेंस। कीप इन माइंड कि हैलोजन्स में रिएक्टिविटी कंट्रोलिंग एजेंट इज डिफरेंट देन ऑरिएंटेशन कंट्रोलिंग एजेंट। रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाई माइनस आई इफेक्ट, इसलिए ओवरऑल ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसलिए ये क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एंड बाकी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या है? मेटा डायरेक्टिंग, बट ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि जो ऑरिएंटेशन है इट इज कंट्रोल्ड बाय प्लस आर एंड एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय, रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय माइनस आई, राइट? और वो भी क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ही जब अटैक होता है, ऑर्थो और पैरा पे तभी रेजोनेंस कम्स इनटू पिक्चर, और ये 1A और 8A स्ट्रक्चर आते हैं। अदरवाइज तीन तीन स्ट्रक्चर तो चाहे रेजोनेंस हो ना हो बनते ही है, बट क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस कम्स इनटू पिक्चर विच टेंड्स टू अपोज इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट का डीएक्टिवेटिंग जो इन्फ्लुएंस है वो ऑर्थो और पैरा पे थोड़ा कम हो जाता है रेदर देन मेटा, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है एंड डीएक्टिवेटिंग। आई थिंक यू हैव ब्रीफ आइडिया अबाउट द रिएक्टिविटी एंड ऑरिएंटेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द कंटेंट विद योर फ्रेंड्स, इट विल हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू 11th टू MSc। इसलिए सबसे शेयर करो और सबकी केयर करो। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।